नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दाल से बनने वाले फरे। दोस्तों, इंडिया में बनने वाली ये बहुत टेस्टी डिश है और इसको हर जगह नए नए तरीके से बनाया जाता है। और इसको हम चने की दाल से बनाते हैं, तो इसको कई जगह पे भगोसा भी बोला जाता है और कई जगह पे दाल के फरे बोले जाते हैं, या और भी कई नाम ऐसे हैं जो मतलब हर जगह के अनुसार बोला जाता है और हर जगह एक नए तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चने की दाल से बनने वाले फरे। तो जिसके लिए हमने ये 2 कप हमने दाल लिया है, इसको कम से कम 4 से 5 घंटे हमने भिगो के रख दिया है। और ये देखिए, इसको पानी से हमने हटा दिया है। और इसमें अब हम इसको पहले पीस के रेडी कर लेते हैं। और इसमें हम 4 मिर्च डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं। और ये हमने 5 से 6 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम दाल मिक्सिंग जार लेते हैं और इसमें हम दाल ऐड कर लेते हैं, ये देखिए। और इसमें हमको पानी नहीं डालना है, कम पानी में पीसनी है हमको दाल को, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं जो हमने हरी मिर्च ली है, इसको हम तोड़ के डाल देंगे इस तरह से, ये देखिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो इसको कम कर ज़्यादा कर सकते हैं, और कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है, एकदम बढ़िया सा। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है हमको, दरदरा पीसना है। अब हम इसको इस बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमने दाल को बाउल में पलट लिया है और ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है एकदम। और इसमें हम मसाले 2 मिनट बाद मिक्स करते हैं। और जब तक ये हमने एक बाउल आटा लिया हुआ है, इसको हम गूंथ कर रख देते हैं ताकि आटा हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बढ़िया सा फूल जाए अच्छे से। और इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच हम इसमें घी ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत कुरकुरापन और बहुत क्रिस्पी बना जाएगा हमारे हमारे फरों में बहुत कुरकुरापन और क्रिस्पी बना जाएगा। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आवश्यकता अनुसार इसको हम गूंथ लेते हैं जितनी आवश्यकता हो। और ये देखिए, इस तरह से हमको रोटियों वाला मतलब रोटी जैसे हम बनाते हैं आटा गूंथ के, उस तरह से हमको एकदम मुलायम आटा हमको गूंथ के रेडी करना है। और के अनुसार हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। और ये देखिए, हमारा एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट डो हमारा बन के रेडी हो चुका है। और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं इस प्लेट से। और अब हम उतने टाइम में हम इसमें नमक मिर्च मसाला वगैरह मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया है और 1/2 टीस्पून और हम ऐड करेंगे इसमें। और आप स्वादानुसार आप इस ले सकते हैं, आपकी दाल जितनी है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं नमक। और इसमें 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं और 1/2 चम्मच हम ऐड करते हैं हल्दी पाउडर। और इसमें लेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम लेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला से क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो हमारे दाल के फरे होते हैं। और ये 1/4 चम्मच हमने लिया है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से बहुत एक अलग सा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 चम्मच हम धनिया पत्ती। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखिए इस तरह से हमको अच्छे से मिला लेना है ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं, नमक मिर्च जो भी, सब सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और ये देखिए, अब हमने आटा एकदम बढ़िया हमारा सॉफ्ट हो गया है एकदम बढ़िया सा, ये देखिए। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा ऐड कर लेते हैं और इसकी अब हम छोटी छोटी लोइयां इस तरह से काट लेंगे। ये
देखिए इस तरह से छोटी छोटी हमने लोइयां काट ली हैं, और अब हम इसको साइड कर देते हैं। और इस तरह से अब हम मलते हुए इनसे छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। लोइयां बना ली देखिए हमने, और इस तरह से अब हम थोड़ा सा हमने सूखा आटा लिया हुआ है, और इस तरह से अब हम इसको छोटी छोटी रोटियां टाइप में बेल देते हैं। बहुत ज़्यादा हमको बड़ी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है, मीडियम के साइज़ में हमको बेलनी है छोटी छोटी लोइयां इस तरह से, एकदम पूड़ी वाले आकार में हम बेल के इस तरह से रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हम और बेल लेते हैं, और ये देखिए इस तरह से हम सारी पूड़ियां बेल के रेडी कर लेते हैं। कम से कम हमारी 9 से 10 पूड़ियां हमारी बनी हैं। तो ये देखिए पूड़ियां हमने बेल के रेडी कर ली हैं, और ये हमारी स्टफिंग एकदम बढ़िया सी रेडी है, अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है। तो हम इसको भर के रेडी कर लेते हैं ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम भर के और इसको इस तरह से हमको दबा देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको दबा देंगे ताकि जो दाल है हमारी वो बाहर ना निकले। ये देखिए और ये हमने लगभग इसमें 4 ग्लास पानी है हमारा, अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं इसमें। ये देखिए हमारी एक दाल का फरा बन के रेडी हो चुका है, और अब हम इसको प्लेट में रख देते हैं इस तरह से। और इसी तरीके से हम सारे फरे भर लेते हैं। ये देखिए दाल है इस तरह से, और इसको हमको इस तरह से ऐसे भर लेना है। और बहुत ज़्यादा मोटी पूड़ियाँ हमको नहीं बेलनी हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा आटा मोटा होता है तो वो आटे का ज़्यादा टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए हमने इस तरह से बना लिया है ये। और इसी तरीके से हम सारे बन भर करके दाल के फरे रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने सारे फरे बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए हमारा पानी भी बॉयल होने वाला है। थोड़ा सा और अच्छे से बॉयल आ जाए फिर इसमें हम फरे डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो आटे में भी हमने थोड़ा सा डाला है, इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत थोड़ा सा डालना है कि जिससे जो मतलब पानी में जब जाए आटा हमारा तो उसमें फीकापन सा ना लगे। और ये देखिए हमारा पानी एकदम बढ़िया सा बॉयल हो चुका है, और ये देखिए हमारे फरे अब हम एक एक करके पानी में डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमको थोड़ा सा दूरी में डालना है ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं, 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद क्योंकि चिपकेंगे तो फटने का भी चांस रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा दूरी में डालना है हमको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से हमने सारे डाल दिए हैं, और इसको कम से कम 2 मिनट के लिए हम अच्छे से ढक देते हैं ताकि जो हमारा बॉयल है वो अच्छे से आ जाए। और ये देखिए हमारे फरों में बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है, और एकदम बढ़िया से देखिए जमीन छोड़ के सब ऊपर आ गए एकदम बढ़िया से फूल के। और अब इनको हम हल्के हाथों से पलट देते हैं ये इस तरह से। ये देखिए जिससे कि दोनों साइड से हमारे फरे जो हैं अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, ये देखिए हमने अच्छे से सब पलट दिए हैं, और इसको हम 2 मिनट के लिए और कुक होने देते हैं अच्छे से, ताकि हमारे फरे अच्छे से पक जाएं, जो उनके अंदर दाल भरी हुई है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसको हम 2 मिनट तक लिए और थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। और ये देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, और हमारे फरे एकदम बन के बढ़िया सा रेडी हो चुके हैं। और हमको पता कैसे लगे कि हमारे फरे पक चुके हैं, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हम इसमें डालेंगे, और ये देखिए एकदम बढ़िया सा हमारा पक के रेडी हो चुका है। और इसको हम चाहे तो आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी दाल हमारी पक के रेडी हो चुकी है। तब हम इसको सारे फरों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
और ये देखिए हमारे फल एकदम बढ़िया से बन के रेडी हो चुके हैं। और इनको और थोड़ा सा हम टेस्टी बनाने के लिए देखिए इनको हमने छोटा छोटा सा काट लिया है इस तरह से। और एक साइड हमने पैन ले लिया है, ये कढ़ाई ली है हमने, और इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। और ये देखिए हमने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, और इसके साथ ही हम डालेंगे 8 से 10 पत्ती हमारी कड़ी पत्ते की, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमने परे काटे थे, ये देखिए ये, और इसको हमको बहुत धीमी आंच में फ्राई करना है, और इसको अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है इस तरह से। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देते हैं, ये 1/2 चम्मच हम 1/4 टेबल स्पून ऐड करते हैं, बहुत थोड़ी सी हमको ऐड करनी है। और इस तरह से अब बस इसको मिक्स करते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमारा कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरा धनिया ऐड कर देते हैं, ये देखिए, और इसको हम एक बार अच्छे से मिला देते हैं। और 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारा एकदम सर्व करने के लिए रेडी है दाल के फरे। तब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं बस। और ये देखिए दोस्तों हमारे फरे एकदम बन के बढ़िया रेडी हो चुके हैं। दोस्तों जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं दोस्तों उतने ही खाने में भी टेस्टी बने हैं। और हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।